अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल मेहरमा एंड कराची का मौसम जो है वो तब्दील हो चुका है। एक बार फिर से बारिश का सिलसिला कराची में शुरू हो चुका है और मौसम जो है बदलते जा रहा है। सूरज अभी अभी जो है बादलों की आगोश में से बाहर आया है और हमारे बच्चे यहाँ पर रोड पर खड़े हैं, हल्की फुल्की बूंद से जो है वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस वक्त सूरज भी निकला हुआ है और बारिश भी हो रही है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखें। तो मौसम जो हो रहा है वो पकौड़े खाने वाला हो रहा है। अब पता नहीं घर में जाके पकौड़े चकौड़े मिलेंगे या नहीं। और हमारे मिनी जू के अंदर बड़े मसले मसाइल पैदा हो गए थे जब बारिश हो रही थी। जवाद ने और मैंने, जहाँ जवाद मजा आया आज? बहुत मजा आया। हमने मेहनत भी काफी की, वहाँ पर सारे प्लास्टिक वगैरह छत पे लगाए, साइडों में लगाए, वरना जो पैड्स हमने जहाँ पर रखे वहाँ पर पानी भर जाता और वहाँ पर नीचे हमने बालू मिट्टी भी रखी हुई है तो सारे बर्ड जो है हमारे बीमार हो जाते। तो हमने यहाँ पर आपको अपना मौसम भी दिखा दिया। हम मेन रोड के ऊपर है और हम जा रहे हैं अपने मिनी जू में। पकौड़े तो मेरे डंडे मिलेंगे, भीग क्यों रहे हो बारिश में? हाँ ये बात भी है। तो चलते हैं फटाफट से अपने मिनी जू में। आ गए और जवाहर ने लगाना शुरू कर दिया वाइपर। यहाँ पर बहुत पानी है, हसीब भी सफाई कर रहा है, मेहरमा भी मौजूद है। जैसे ही यहाँ पर सफाई होगी फिर हम खोलेंगे अपने पेट्स को। सफाई कर ली, अब रेडी कर रहे हैं हम लूसन ताकि बर्ड्स को खाने में आसानी हो। ये मोर के लिए हमने यहाँ पर अलग रख लिया है और मेहरमा ने एक डंडा भी हाथ में पकड़ लिया ताकि डक्स अटैक ना करें। तो खोलते हैं अब फटाफट अपने पेट। चलो खोलो जवाहर। पेट्स आ गए बाहर, वेलकम। ओ, 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 पहले पानी डाल दे। जवाहर पानी का जग और भर लो, डालते हैं लूसन। क्या ढूंढ रहे हो उसमें? सोना निकाल लो। अभी नहीं, आ जाओ खोलते हैं टर्की बर्ड को। एलिफ खोलेगी यार टर्की बर्ड। ये सारी हमने सफाई की है। आ जाओ टर्की बर्ड, आ जाओ। ये हमारा किंग है मिनी जू का। चले भाई टर्की बर्ड भी खुल गया। ये ले लेके जा। अरे वाह, टर्की बर्ड ने दिया जवाहर, टर्की बर्ड ने अंडा दिया भाई। ये जाओ ये बैंक में जमा करो। क्या सूरत हाल है यहाँ की भाई? यहाँ अंडे शंडे कोई दिखाई दिए नहीं है? मेहरमा ये वाली ग्रिल बंद कर दो, ये वाली ग्रिल। मुर्गियों के अंडे नहीं है? नहीं, आज कोई अंडा नहीं आया है भाई। टर्की बर्ड का है? हाँ डक्स ने लिया भाई। ये वाला मोर हमारा थोड़ा सा बीमार था कल, आज ये थोड़ा एक्टिव लग रहा है और उसकी भी ट्रीटमेंट जारी है। गेट खोलो, गेट खोलो। ये इन्हें भी बाहर निकालो। चलो भाई बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर 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 ही नहीं आ रहे। नहीं मोर को बाहर नहीं निकालेंगे, चलते हैं बाहर। ये डक्स कह रही है कि इनको भी खोल दो, इन्हें भी हम खोल देते। आ जाओ मेहरमा, बाजरा डालो थोड़ा। मेरा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक जगह डालो थोड़ा। माशा अल्लाह, टर्की बर्ड को इसमें खाना है मुझे पता है। ये लो टर्की बर्ड खाओ, ये इसमें खाता है शोर से, सारा खा जाओ। हाँ बादशाह सलामत। हाँ ये कलर चेंज करता है, ये ना पर्पल भी हो जाता है इसका कलर। बेटा आप यहीं पर खुश हैं, ठीक है? जाते हैं मोर को उसका। बादल गरज रहे बहुत जोरों से, हम तो डालने जा रहे थे दाना। हसान भी आ गया, हमें लग रहा है कि तेज बारिश ना शुरू हो जाए। हमें सारे पेट्स को फटाफट जल्दी से बंद करना पड़ेगा। तो चलते हैं फटाफट मोर के केज में, चलते हैं। पकड़ो भाई, हसान आप उठाओ बाजरे का डब्बा, उठाओ बाजरे जल्दी फटाफट, मैं पानी उठा लेता हूँ। बड़ा गेट खोलो, बड़ा गेट, जल्दी 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 से डालते हैं उनको दाना। यहाँ पानी भर देते हैं इसमें, पहले ये मट्टी है इसमें। हाँ डालो डालो,
पानी हमने डाल दिया। बाजरा भी आ गया। बाजरा एक मिनट, इसमें पानी आ रहा है, पानी के लिए खाली कर, यहाँ डालो आसान, इसमें डाल दो बाजरा, आसान बाजरा डालना है। और हमने इस मुर्गे को यहाँ पर अंदर बंद रखा हुआ, इस मोर को भी हम थोड़ी देर के लिए खोल देंगे ताकि ये खा पी ले। सफाइयाँ कर रहे, सफाइयाँ हैं। तमाम पेट्स को हमने डाल दिया खाना, हम पेट्स को अभी फौरन बंद कर देंगे क्योंकि मौसम यहाँ पर बदलते जा रहे हैं। बादल अभी भी गरज रहे हैं, हम पेट्स को बंद ही करने जा रहे थे कि जिससे हमने फीड मंगाई थी उन्होंने ये फीड हमें स्पेशल बनवाते हैं, ये बना के मिक्स करके दाना दिया है। ये कबूतरों के लिए है और ये है मुर्गियों के लिए, ये स्पेशल दाना है, इसमें गंदुम वगैरह सारी चीज़ें, और ये है फीड और ये है छोटी फिंचिस के लिए कंगनी। तो अब हम कर रहे हैं अपने पेट्स को बंद, फिर करते हैं फटाफट से अपना नाश्ता। पेट्स को खाना डाल दिया था, खाना डालने के बाद हमने अपना किया नाश्ता। नाश्ता करने के बाद हम आ गए बाहर यहाँ पर एंजॉय करने। बारिश बहुत तेज हो रही है, मेहरमा को भी साथ ले, जवाब भी है और मेहरमा भी है। तो अब घर वालों को हमने कहा कि भाई पकौड़े चकौड़े पकाओ, तो घर वालों ने कहा कि आप बेसन वेसन ला के। उड़ी आसिफ भाई, यार आसिफ भाई आसिफ भाई आ गए, मेरी चप्पल भी टूट गई, ये कहाँ से आ गया भाई, भागो 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 भाई, आसिफ डाडा आ गया, आसिफ डाडा। मेहमा अगर आपको पकड़ लेता तो भाई घर में घुस जाओ, वो दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। अरे भाई आसिफ डाडे ने अटैक कर दिया, मेरी चप्पल भी टूट गई, अब क्या चाचू आ नहीं जाए घर में, इन्होंने बचा लिया हमको। अरे हाँ ये तो अच्छा हुआ, लाइट भी नहीं है भाई, यहाँ खिड़की में से देखें घर पे तो नहीं आ रहा हमारे, इसको पकड़ के रखा हुआ है वहाँ पे कोने पे। हाँ तो बच्चे जाते, ये कैसे आया अचानक से, ये तो हैदराबाद गया हुआ था यार, ये हैदराबाद गया हुआ था, आज आ गया यार, हमको नहीं पता ही नहीं चला अचानक भाई, अचानक उसने अटैक किया, हम तो मजे में जा रहे थे, मेरे पैर में भी लग गया पता है, चप्पल भी तो टूट गया भाई, सांस फूल रही है भाई, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। भाई हम लोगों को पकौड़ों का सामान लेना था, अब हम क्या करें मेहरमा, चाचू मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे आसिफ डाडे से पकड़वाना है क्या भाई, जाना तो है ना, अब देखो मैंने अपनी चप्पल भी चेंज कर ली और मेरे अंगूठे पे भी लग गया है, तो वहाँ चल के देखते हैं, पता नहीं आसिफ डाडा अगर फिर से हुआ ना मसला हो जाएगा, मुझे लग नहीं रहा है कि वहाँ पर मौजूद हो, हम लोग जाते हैं। चलो भाई आ जाओ, लग रहा है आप लोग, वहाँ तो पैदल ही जाएगा, नहीं भाई हम देखते हुए जाएंगे ना, भाई वहाँ पर वो होगा, अगर वो होगा ना वहाँ भाग जाएंगे वापस, सही, छुपके छुपके आए, आसिफ डाडा हमें कहीं दिखाई नहीं दिया, फटाफट से जाते हैं मार्केट, फिर जाते हैं हम पकौड़े सकोड़ों का सामान लेते हैं, फिर घर वालों को देते हैं, फिर खाएंगे हम पकोड़े। मार्केट में हम आए हुए लेकिन धनिया और पुदीना कहीं भी दिखा, भाई धनिया पुदीना है, धनिया पुदीना नहीं है, ये भी देखो एंजॉय कर रहे हम भाई, ये एंजॉय है, आगे ढूंढते हैं फिर, सही है भाई, धनिया मिल गया, हम जा रहे हैं पुदीने के लिए, आ गए हमें पालक और धनिया, धनिया मिलेगी अब, मिली अब लेनी है हमें हरी प्याज, हरी प्याज अगर नहीं मिली तो हरी प्याज के बगैर हम क्या करेंगे, पकौड़े बनाएंगे। चलो मिलते हैं अब घर जाके, मार्केट से आ गए थे हम घर, घर आकर कपड़े शपड़े चेंज किए, मार्केट में बहुत ज्यादा कीचड़ था, घर पर आए तो घर वालों ने कहा पकौड़े खाने तो तैयारी भी खुद करनी पड़ेगी, मेहरमा ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं और हसान ने भी चेंज कर लिए, बारिश की वजह से कपड़े सबके चेंज हो गए थे, तो घर वालों ने लगाया हमें काम पे, देखे वेजिटेबल सारी यहाँ पर कट हुई भी पड़ी हुई है और यहाँ पर बेसन भी तैयार है और ये इसके अंदर हम पकाएंगे वेजिटेबल पकौड़ा, कौन से नहीं नहीं ये पालक है, पालक सॉरी, जो पालक में डिप करेंगे उसको फ्राई करेंगे, गेहूं का पालक और इसके बनेंगे मेरे लिए सादे पकौड़े। तो कितने आइटम हो जाएंगे हमारे पास, चार, तो घर वालों ने कहा कि सब मिलके काम करो, तो ये भी काम करेगी, नहीं ये भी काम करेगी है, आसान भी काम करेगा, मैं भी काम करूंगी और मैं तो खाना ही खाऊंगी, बस खा से भी खाओगी आप, काम नहीं कराओगी। तो भाई इसके अंदर हम मैंने हैंड वॉश कर लिए, ठीक है ये सारे डिप करते हैं इसमें, चलो मिक्स करो, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत होगी, घर वाले पता नहीं कैसे बना लेते, ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैं इसका मसाला, ये हो गया।
प्याज रह गई थी, इसमें प्याज भी डालते हैं। तो घर वाले कैसे कर लेते यार? आप ही आराम आराम से करो, उसको दर्द होएगा। किसको दर्द होएगा? उस पालक को। पालक को, पालक को दर्द होगा। ये इसमें और प्याज मिक्स कर रही हूं। ये जितनी इसमें वेजिटेबल जाती जा रही है ना, ये हार्ड होते जा रहा है। बहुत ज्यादा थिक हो रहा है ये। तो भाई अब मिलेंगे हम फ्राई करते वक्त। गाइस मैं कुकिंग कर रही हूँ, ये पंखे इनके लिए वो इसको टर्न ओवर कर। मेहरमा वैसे कैसी लग रही है कुकिंग करते हुए? हैं? मुझे तो अच्छी लग रही है। मजा आ रहा है? अपने हाथों से पकाए ना, खाने में भी मजा आएगा। इसको भी टर्न ओवर करो। ये तो बहुत मजा आ रहा है कुकिंग करने में। आज बर्तन भी आप ही धोना। बर्तन धोने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। नहीं ये टर्न ओवर नहीं, इनको घुमा लोगे ना इनके ऊपर बहुत तेल जाएगा। थोड़े से और होंगे क्योंकि इनमें मैदा जो है ना इनमें ज्यादा डाल है। गाढ़े गाढ़े नहीं थे जब मैं पका बना रही थी। टर्न ओवर करने पड़ेंगे रेडी हो गए पकोड़े सकोड़े, फिर अब खाएंगे हम। yes. पकोड़े हमारे रेडी हो गए, अब आती है खाने की बारी। yes, मैंने इतने से पहले पकोड़ा बनवाया। ये पालक पकोड़ा, ये मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा, ये सादा पकोड़ा और ये मेरे अपने लिए छोटे छोटे से। यहाँ पर रायता भी है और चटनी भी है, तो खाते हैं फटाफट से पकोड़े। खाओ खा लो। कैसा है? उम्मीदें हैं पकौड़े चकौड़े खाने की। आज हमारी मोर की वैक्सीनेशन का 15 डे, तो वगैरह भाई इतनी बारिशों में भी इतनी सर्दी में भी आए मोर को वैक्सीनेशन में। मोर आई है भाई, आज आवाजें निकाल गए। मेडिसिन मोर को दे रहे हैं अब उसकी मेडिसिन। इसे फीड भी करा दिया है और इसकी मेडिसिन भी इसे दे दी। अब मिलेंगे आपको हम आज में। मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने नेम सेशन में। मैं सो रही थी, जाती हूँ मुझे नीम छोटा है बोला नेम लेने। तो फर्स्ट नेम है समी, अल्ताफ साद, ताशिन आपी को बाइक सिखाओ। ताशिन आपी को सिखा देंगे जब मैं तो सीख जाऊँ पहले। शो माई डीपी, माय नेम इज समी, माय नेम इज नेहा सीख जाएगी। माय नेम इज सहाल था, माय नेम ताशिन आपी भी सीख जाएंगी। चाचू ताशिन आपी से पहले मेरे को सिखा देना, ताशिन आपी बड़ी है ना। माय नेम इज मोहम्मद मुजम्मिल राशिद, आप मेरे कमेंट भावर हैं। क्या लिखा आप मेरे कमेंट भरते? भूल गए होंगे ये लिखा होगा। हां भूल, जिसमें मैंने फातिमा का शुक्रिया अदा किया था, उसने मेरा नाम लिया था। मुझे तो फातिमा के फादर का नेम किया है मोहम्मद फैजान, उनका नेम है। आपका नेम लिया, फातिमा के पापा का नाम है मोहम्मद कामरान। जुनेद भाई मेहरमा को बाइक सिखा दी सिखा दी थोड़ी बहुत मेन बता दी, बाकी सब नहीं बताया।
माय नेम इज आयशा इकबाल सेइंग यस और किचन 24 आवर्स इग्नोर नहीं करना ओके नहीं करेंगे माय नेम इज फातिमा एंड माय ब्रदर नेम इज दाऊद आई लव योर वीडियोस माय नेम इज अब्दुल्ला मलिक माय सिटी नेम इज राहो माय सिटी नेम इज रावलपिंडी बहुत पुराने हमारे सब्सक्राइबर है बाइक राइड बुक करेंगे हम 24 आवर चैलेंज कैसा सवारियां उठाएंगे मेहरमा में मोटरसाइकिल पे जाएंगे लोगों को पिक करेंगे फिर उनको ड्रॉप करेंगे आप लोग कमेंट करें ऐसा करें हम बड़ा मजा आएगा आपकी आपकी कौन सी क्लास में सेवन क्लास में माय नेम इज रहान टेक माय नेम योर नेम सेक्शन आई एम योर बिग फैन कब्रिस्तान चैलेंज करो माय नेम इज रुमैसा माय नेम इज रुमैसा सिटी नेम इज गुजरात मेहरमा क्या आप सियालकोट आ सकती हैं इंशाल्लाह माय नेम इज शर्मी प्रे फॉर माय एग्जाम आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए बहुत माय नेम इज अदनान मैम अपनी मामा का फेस रिवील करें प्लीज 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 मैम सो क्यूट माशाल्लाह थैंक यू मामा का फेस रिवील हम 10 मिलियन में पूरी फैमिली का फेस रिवील कर देंगे माय नेम इज अदनान माय नेम इज समी माय नेम इज फहम माय नेम इज अब्दुल कादी हसन सिंह यस प्लीज 100 कमेंट और भी बहुत सारे कमेंट करो मैम आपकी बड़ी बहन को सलाम वालेकुम अस्सलाम उनकी तरफ से माय नेम इज वर्दा सोहेल फ्रॉम पाकिस्तान माय नेम इज तगा अल्ताफ मेरा नाम हसन से बोलो वरना मैं आपके ब्लॉग छोड़ दूंगी देखना शो माय डीपी क्या नाम है समन नूर ये तो थ्रेट है भाई आप धमकियां नहीं दिया करें बुरी बात होती है किसी को धमकियां देना माय नेम इज साजिद अली माय नेम इज हाशिम माय नेम इज हमारा सिटी कंट्री नेम इज अमेरिका शो माय डीपी लाइव आओ सो प्लीज आएंगे साथ एलिन बहुत प्यारी है थैंक्स एलिन की तरफ से जैन सिकंदर माशाल्लाह बेस्ट वीडियोस अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप माय नेम इज तुबा माय सिस्टर नेम इज तुबा माय ब्रदर नेम इज मोहम्मद यूनुस अब्दुल कादर एंड मोहम्मद मुस्तफ़ा हम आपके व्लॉग देखते हैं आपके व्लॉग बहुत अच्छे हैं लगते हैं और पसंद भी हैं दुआओं में खुसूसी याद रखना इंशाल्लाह आपको दुआओं में याद रखें आपके नेम भी ले लें आयदा शाहिद माय नेम इज हमजा माय कंट्री नेम इज कोरिया शो माय डीबी समझ लूँ आप कभी नाम बदल बदल के चाइना कभी अमेरिका कभी यूएस कभी यूएई फिर ना कंफ्यूज अभी आप कोरिया में अभी कभी क्या होती कभी क्या होती इसी के साथ करते इस नेम सेशन को यहाँ पे कंप्लीट आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबा देना ओके ठीक नहीं तक हर आने व्लॉग आप तक पहुंच सके आसिफ डाटा से भी हमारी जान छुड़ाएं प्लीज आसिफ डाटा से हमारी जान छुड़ाएं ओके ठीक है अल्लाह हाफिज़